नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। उनकी एक समस्या थी, आज सोचा कि आज उस पर वीडियो बना दें ताकि हमारे जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो भी इस समस्या को जान सके और इसका निवारण निकाल सके। तो हम बात करने जा रहे हैं उनकी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि वो अक्सर यात्रा जो है दिल्ली से पुणे के लिए करते हैं, लेकिन उनको वही ट्रेन में वो टिकट कंफर्म नहीं मिलती है दिल्ली से। उनको हमेशा वही ट्रेन में टिकट कंफर्म मिलती है मथुरा से। यानी उनका कहना है कि वो दिल्ली से मथुरा तक कैसे यात्रा करे उस ट्रेन में। तो मेरे दोस्त, इसका वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसी ट्रेन में, सेम ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं और आगे की यात्रा का टिकट आपके पास कंफर्म है, तो आपको या तो जनरल टिकट लेके या टीटी से बात करके, अगर उनके पास अवेलेबल है उस सेक्शन के बीच में जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो सीट अवेलेबल है तो वो उतने का डिफरेंस बना के वो वहाँ तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आपका रिजर्वेशन है ही। तो दूसरा उपाय है कि अगर आप वेटिंग टिकट करा लें, एसी का नहीं, स्लीपर में तो चल जाता है, स्लीपर का वेटिंग टिकट करा लें वहाँ तक, मथुरा तक, और फिर मथुरा से आप आगे आपका कंफर्म तो हो ही जाता है। तो उस तरह से आप दो तरीके से वो सफ़र कर सकते हैं सेम ट्रेन में। लेकिन हम एक और आपको तरीका बताते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको वो ट्रेन में जाना तो है लेकिन हम हमारे पास बहुत समय रहता है। हमको क्या, मान लीजिए कि दिल्ली से हम चले और मथुरा में हमें कुछ शॉपिंग करना है, किसी रिलेटिव्स के पास मिलना है, टाइम है बहुत, तो हम क्या करते हैं कि 2-4 घंटे पहले वाली गाड़ी से जा सकते हैं, और जो गाड़ी आ रही है उसमें तो हमारा रिजर्वेशन है ही। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि आपको 2 टिकट बनाना पड़ेंगे, वहाँ पे आपको 2 टिकट नहीं बनाने पड़ेंगे अगर आप सेम गाड़ी में नहीं जाओगे। यानी जो दिल्ली से पुणे ट्रेन जा रही है उसमें आपको जाना है लेकिन मथुरा से, और मथुरा से रिजर्वेशन कन्फर्म है, लेकिन आपको दूसरी, अगर जो मैं अब कंडीशन बता रहा हूँ, और आपको पहले अगर यात्रा करना है, यानी वो ट्रेन आपको बाद में आएगी, पहले आप पहुंच जाइए मथुरा, ठीक है। मथुरा पहुंच के आप घूम लीजिए, फिर लीजिए, जिससे मिलना वो मिल लीजिए, और वो ट्रेन से फिर जब टाइम हो आप मथुरा से पुणे चले जाइए। लेकिन आपको दूसरा टिकट नहीं बनाना है, दूसरी ट्रेन में नहीं बनाना है। तो उसका एक उपाय है कि आप ऑनवर्ड जर्नी, आपके रिजर्वेशन फॉर्म में ही नीचे ऑप्शन दिया जाता है आगे की जर्नी, वापसी की जर्नी, तो आप आगे की जर्नी में क्लिक करके वो रिजर्वेशन जो हमारे क्लर्क हैं उनको एप्लीकेशन दे के, ये बोल के कि हमको एक गाड़ी, यानी 4-5 घंटे जो भी जितना समय है आपको, 12 घंटे 5 घंटे पहले की जो ट्रेन है उसमें आप रिजर्वेशन कर लीजिए मथुरा तक। फिर वही रिजर्वेशन टिकट पे आपका वो लिखा जाता है कि आपकी जर्नी निजामुद्दीन व मथुरा से पुणे तक, गाड़ी नंबर दूसरा रहता है उसमें, जिस गाड़ी में आप सबसे पहले सफ़र करेंगे दिल्ली से मथुरा के बीच में, वो गाड़ी नंबर रहता है। लेकिन आपको वो जो क्लर्क हैं वो दूसरा टिकट यानी बीपीटी, ब्लैंक पेपर टिकट आपको इशू करते हैं, जिसमें 0 रुपए का बनता है, कोई पैसे चार्ज नहीं लगते हैं। आपको 2 टिकट इशू किए जाएंगे, एक में तो आपको पूरा चार्ज रहता है, उसमें सब डिटेल लिखी रहती है कहाँ से कहाँ तक आपका टिकट है वो सब लिखा जाएगा, और दूसरे टिकट में आपको कन्फर्म का लिखा जाएगा, यानी आपकी सीट जो है मथुरा से जो, और वो ट्रेन नंबर लिखा जाएगा जिसमें आपको जाना है। तो आपको ये जानकारी जान के कैसे लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमारे को कमेंट करके पूछे, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन वाकई में आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको कमेंट में बता देंगे। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको पता थी क्या ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।